आज हर जगह एक लड़की के नाम की चर्चा है। तेलंगाना की रहने वाली 25 साल की ये लड़की वर्ल्ड चैंपियन बनी है बॉक्सिंग में। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का सपना होता है कि वो चैंपियन बने, वर्ल्ड चैंपियन बने, मेडल जीते। पर इस जीत के साथ इस लड़की का एक बड़ा मासूम सा सपना भी पूरा हुआ। सपना था सोशल मीडिया पर अपना नाम ट्रेंड होते देखना। वो चाहती थी एक दिन दुनिया उसे उसके नाम से जाने। उस लड़की का नाम है निखत जरीन, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आज निखत ने तुर्की में इतिहास रचा। थाईलैंड की जिटपोंग टुटामस को 52 किलोग्राम की कैटेगरी में 5-0 से हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनी। इससे पहले मैरी कॉम ने 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में ये खिताब जीता था। 2006 में अलग अलग वेट कैटेगरी में सरिता देवी, लेखा केसी और जेनी आरएल भी वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। जीत के बाद निखत काफ़ी इमोशनल दिखी। जब भारत का राष्ट्रगान बज रहा था तब उनकी आंख में आंसू थे। इस बारे में जब निखत से पूछा गया कि उनके मन में क्या चल रहा था तो उन्होंने कहा, मैं अपने माता पिता के बारे में सोच रही थी। जब भी किसी मैच के बाद मैं उन्हें कॉल करती हूँ तब वो मेरे लिए दुआएं करते हैं। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। मेरे पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। आज मैंने जो कुछ भी हासिल किया वो अपने परिवार की वजह से किया। मेरे बुरे समय में उन्होंने मेरा खूब साथ दिया, सपोर्ट किया। जीतने के बाद मेरा मन कर रहा था कि उन्हें ज़ोर से गले लगा लूँ, इसलिए मैं इमोशनल हो गई। इस जीत पर निखत के पापा जमील अहमद भी खुशी से झूम उठे। निखत की जीत पर उन्हें प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं के कॉल आए। उन्होंने कॉल पर बात की। घर के बाहर पत्रकारों का तांता लग गया और जमील साहब मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कह रहे थे, देखो कहा था ना एक दिन दुनिया हमारे दरवाजे के बाहर इंतजार करेगी। इस बात के पीछे एक किस्सा है। निखत के पापा बताते हैं कि निखत की दो बड़ी बहनें पढ़ाई में बड़ी अच्छी थी, शांत स्वभाव की थी, पर निखत बड़ी शैतान थी। रोज कोई ना कोई पड़ोसी आकर शिकायत करता, निखत हमारे बच्चों से लड़ रही है, वह अमरूद के पेड़ पर चढ़ गई, निखत ने हमारे आम चुरा लिए। उसके अंदर खूब एनर्जी थी। उसकी एनर्जी को सही जगह पर लगाने के लिए मैं उसे सेक्रेटेरिएट ग्राउंड ले गया। सोचा थोड़ा पसीना बहाएगी, थककर घर आएगी और सो जाएगी। निखत सिर्फ थकी नहीं बल्कि चमक कर सामने आई। एथलेटिक में 100 मीटर और 200 मीटर की कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गोल्ड ले आई। एक दिन ग्राउंड पर लड़कों को बॉक्सिंग करते हुए देखते ही उसने पूछा, वहाँ कोई लड़की क्यों नहीं है, लड़कियाँ नहीं खेलती क्या? मैंने कहा, खेलती हैं, मोहम्मद अली खूब बड़े बॉक्सर हैं, उनकी बेटी लैला अली खेलती है। वहीं से निखत ने बॉक्सर बनने का सपना देखा। जब निखत 12 साल की थी तब वो बॉक्सिंग क्लास में अकेली लड़की थी। कोई उन्हें बख्शता नहीं था कि वो लड़की है। ट्रेनिंग की शुरुआत में वो पलट कर मार नहीं पाती। उसी दौर में एक बार निखत के मुंह पर बड़ा करारा पंच पड़ा, आंख के पास काला घेरा पड़ गया और आईब्रो फट गई। ये देखकर निखत की माँ परवीन बड़ा गुस्सा हुई। कहा, पड़ोसी वैसे भी हमें बावला समझते हैं कि बेटी को ग्राउंड पर भेजते हैं, ऐसा ही रहा तो कौन इससे शादी करेगा। आज निखत की जीत के बाद जब स्पोर्ट्स स्टार वाले इंटरव्यू लेने पहुंचे, निखत के पापा ने एक किस्सा बताते हुए कहा, तब मैं बोला था, शादी वादी की चिंता छोड़ो, एक दिन हमारी बेटी की वजह से दुनिया हमारे दरवाजे के पर इंतजार करेगी, उसके सामने खड़ी रहेगी। ये कहकर आंखों में बेटी की जीत की चमक के साथ जमील साहब मुस्कुरा उठे। निखत के पिता जमील ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, निखत का वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड जीतना मुस्लिम लड़कियों के साथ साथ देश की हर उस लड़की के लिए इंस्पिरेशन बनेगा जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती है। जब निखत ने हमें बॉक्सिंग में करियर बनाने के बारे में बताया तो हमने पूरा सपोर्ट किया, लेकिन कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों ने कहा कि लड़की को वो स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहिए जिसमें शॉर्ट्स पहनना पड़े। हमने उनकी नहीं सुनी और बेटी के सपने को सपोर्ट किया। आज वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद निखत प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आई। उनका पहला रिएक्शन था, क्या मैं ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हूँ? ट्विटर पर ट्रेंड होना मेरा एक सपना था, अगर ऐसा हो रहा है तो वाकई मैं बहुत खुश हूँ। वैसे ये पहली बार नहीं है जब निखत का नाम ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। 2019 में एक विवाद की वजह से उनका नाम चर्चा में आया था। विवाद था उनके और मैरी कॉम के बीच। 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स होने थे, उसके लिए मैरी कॉम को सीधे भेजने की बात चल रही थी। तब निखत ने बिना ट्रायल मैरी कॉम को टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर्स का टिकट देने पर सवाल उठाया था। नाराज निखत ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू को चिट्ठी लिखी, कहा ट्रायल्स करवाइए। निखत की इस मांग पर मैरी कॉम ने कहा था, वो निखत को जानती तक नहीं है।
लंबी खींचतान के बाद आखिरकार BFI यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ट्रायल्स पर सहमति जताई। क्वालिफायर खेला गया और मैरी ने जरीन को 9-1 से हराया। मैच के बाद जरीन ने मैरीकॉम को गले मिलने की कोशिश की, पर वो मिली नहीं और न ही उनसे हाथ मिलाया। इस बारे में मैरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं उससे हाथ क्यों मिलाऊं? पहले वो मेरा सम्मान करे, फिर मैं उसका सम्मान करूंगी। जब वो नहीं करेगी तो मैं क्यों करूंगी? मुझे ऐसा स्वभाव पसंद नहीं है, मैं नज़रअंदाज करती हूँ। इस मैटर के बाद निखत ने मीडिया और लोगों से दूरी बना ली। उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। कुछ महीने पहले इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए निखत ने कहा था, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। टोक्यो मेरी किस्मत में नहीं था। मैंने उससे मूव ऑन किया, खुद को समझाया, गलतियों से सीखना है, आगे बढ़ना है और अगले कॉम्पिटिशन पर फोकस करना है। 2019 में इंटरनेट इस मैटर में दो धड़ों में बट गया था। कोई मैरी की आलोचना कर रहा था तो कोई निखत की। उस वक्त दोनों का नाम ट्विटर पर ट्रेंड हुआ था। जाहिर है तब निखत को वो खुशी नहीं हुई होगी जो आज नाम ट्रेंड होने की वजह से हुई, क्योंकि वो अपने खेल की वजह से अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती थी, ना कि कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से। अब निखत कहती हैं कि उनका फोकस 2024 के पेरिस ओलंपिक्स पर है, वो उसकी तैयारियों में जुटेंगी। बीते 2 साल से हर स्पोर्ट्समैन के लिए ये दौर बड़ा मुश्किल रहा। कोरोना की वजह से ट्रेनिंग बंद रही। मैंने अकेले ही घर पर अपना पर्सनल जिम सेट किया और वहाँ ट्रेनिंग की, और आज मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ। निखत की जीत केवल एक स्पोर्ट्स पर्सन की जीत नहीं है, ये उस लड़की की जीत है जिसके पेरेंट्स ने सामाजिक दबाव का सामना किया। उस लड़की की जीत है जिसने सपना देखने की हिम्मत की, जिसने अपने हक की लड़ाई भी की। ये जीत देश की कई लड़कियों के लिए रास्ता बनाती है जो कुछ हासिल तो करना चाहती हैं लेकिन अपने अंदर के डर से जीत नहीं पाती। अपने डर पर काबू भी कर लें तो सोशल प्रेशर उनके रास्ते का पत्थर बनता है। इस जीत पर निखत को बधाई, हर उस लड़की को बधाई जो सपना देखती है। कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मुलाकात होगी सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।